चक्रधरपुर थाना प्रभारी व पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार ने ऑटो टोटो चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बिना इंश्योरेंस और बिना ड्राइविंग लाइसेंस का वाहन नहीं चलाए, साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चक्रधरपुर में कैंप लगेगा, अधिकारियों से वार्ता हो रही है। दो चीज जो पहले भी कहे हैं वही चीज आज भी कहना चाहेंगे कि अभी जो इसमें प्रक्रिया चल रही है, आप लोग बैठ दिए कोई दिक्कत नहीं हमको। अभी जो प्रक्रिया चल रही है रजिस्ट्रेशन का, उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस, वह तो जरूर कराइएगा। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी को एकदम रोड पे मत निकालिएगा, बहुत दिक्कत है उसमें। किसी दिन आपके गाड़ी से किसी को कुछ हो जाता है तो न्यायालय का फैसला हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस न रहे तो आपको भरना पड़ेगा। तो आप लोग का अगर आमदनी कम रहेगा तो कहाँ से ये सब कर पाइएगा। इसलिए इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम है कि किसी दिन कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो जिसके साथ होता लौट के तो नहीं आया जा सकता है उस चीज़ को, लेकिन कुछ तो जीवन जीने के लिए कुछ तो अर्थव्यवस्था आर्थिक सहायता उसको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मिलेगा। देखिए 1000 आदमी इंश्योरेंस कराते हैं, घटना दुर्घटना एक आध आदमी के साथ होता है, तो बाकी सब का पैसा मिला के उस एक आदमी को इंश्योरेंस भी एक तरह का चंदा, बात समझ गए। आप दिए, आप इसको दिए, आपके साथ कुछ नहीं हुआ एक साल तो आपका तो पैसा 500,000-2,000 जो भी था इंश्योरेंस का चला गया, उसी तरह बहुत का जाता है। वो जाता नहीं है, उसी में से किसी गाड़ी वाले के साथ, चाहे वो ड्राइवर के साथ हो या राहगीर के साथ हो, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा उस आदमी को देती है। आपको दिख नहीं रहा है लेकिन पैसा मिलते जा रहा है न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा ये सब चल रहा है। जिसके साथ भी कोई घटना दुर्घटना गया हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि मुआवजा मिलता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इंश्योरेंस के बिना रोड पे तो गाड़ी मत निकालिएगा। जो निकाल लिए हैं आज तक निकाल लिए हैं, कल से मत निकालिएगा, नहीं तो किसी दिन चक्कर में पड़िएगा, बहुत बुरा फंसिएगा। बात समझे, घर मकान बेच के और जो आपके गाड़ी के साथ जिनको कुछ होगा उनको मुआवजा दे, पहला तो ये चीज़। दूसरा चीज़ कि बिना लाइसेंस के लिए ये मत कीजिएगा। हम लोग जो है पहले भी बात किए हैं, थोड़ा कुछ कार्रवाई में व्यस्त है, नहीं तो हम लोग DTO कार्यालय से बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ भी कैंप करवाएंगे और वहाँ भी कराएंगे। लाइसेंस भी होना चाहिए, बिना लाइसेंस वाले भी गाड़ी ना चलाएं। और जो नाबालिग लड़के या कम उम्र के लड़के जो गाड़ी चलाते हैं, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम सचेत कर दे रहे हैं। देखिए 1-1.5 लाख का आपका टोटो होता है और 25,000 रुपये का फाइन है नाबालिग की गाड़ी चलाने से। ये कमर्शियल गाड़ी है आपका, जो है प्राइवेट गाड़ी तो नहीं है, मतलब इससे भाड़ा कमाने के लिए ना, फ़ायदा के लिए ना उपयोग होता है। कार होता है व्यक्तिगत गाड़ी, उसमें फ़ायदा नहीं है, अपना सुविधा। तो कमर्शियल गाड़ी में तो इंश्योरेंस और भी होना चाहिए, उसको फिर कैसे चला लेगा वो। बहुत लोगों को मन में, टोटो वालों को मन में ये रहता है कि हमारा